पीमा गांव में मेवात प्रो कबड्डी लीग का होगा आयोजन, जिसमें पहला सेमीफाइनल हसनपुर वर्सेस तावड़ू की टीमों के बीच खेला जाएगा। जीतने वाली टीम फाइनल मैच में सराय की टीम से भिड़ेगी, जो कि पहले से ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। दूसरा मैच लड़कियों का होगा, जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर झिरका और महिला महाविद्यालय साला हेडी टीमों के बीच खेला जाएगा। उसके बाद फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा, जो कि सराय बनाम सेमीफाइनल की विजेता टीम के बीच खेला जाएगा। मेवात प्रो कबड्डी लीग का ये पांचवा साल है। इस बार की शुरुआत 21 नवंबर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर नमक से हुई थी, जिसमें और लड़का वर्ग में 23 टीमों ने, लड़की वर्ग में 4 टीमों ने भाग लिया। पहले दिन हुए नॉकआउट मुकाबलों में सुपर 7 को सिलेक्ट किया गया, जिसमें पहुंचने वाली टीम में महू ब्लॉक से घासेड़ा, सलाहेड़ी, टपकन, वहीं पुनाना ब्लॉक से लोहिंगा कला और तावड़ू ब्लॉक से सुपर से उन्नत पहुंचने वाले टीमें में तावड़ू, हसनपुर व सराय की टीमें रही। वह इस बार गत वर्ष की भांति मेवात राइडर का चयन समिति में जो हारी हुई थी उनमें से अच्छे खिलाड़ियों को चुनकर किया गया। इस बार लीग की सफलता ये रही कि सबसे युवा टीम टपकन गांव की थी, जिसने सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं। हर जगह इन खिलाड़ियों को पसंद किया जा रहा है। भारत टीवी डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट। हर मर्ज का समाधान है मलखान दवाखाना के पास। अगर आप हैं कैंसर, एड्स, पथरी, नामर्दी, सफेद पानी, लाल पानी और गंभीर बीमारियों से परेशान, तो इन सभी बीमारियों का होगा देसी